हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक मैट, डोर मैट बनाना सीखेंगे। इसको आप टेबल के सेंटर में एज ए टेबल क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो और कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो ये मैं पुराने सूट से बनाऊंगी, जो कि मेरे पास एक पुराना सूट पड़ा है कॉटन का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक सूट है जो कि ख़राब हो गया, फट गया है यहाँ से, तो इसी का यूज़ करूँगी मैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस कर लूँगी और नीचे वाली साइड एक कपड़ा लगाऊँगी जो कि वाइट कलर का है, और ये इसकी सलवार है, इसकी मैं पाइपिंग लगाऊँगी। तो इसी सूट का ही आज हम जो है ये डोरमैट बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस मैंने कर लिया है। ये मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, आप यहाँ पर चाहो तो कागज़ भी ले सकते हो। तो 8 इंच मैंने लंबाई ली है और एक निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है और एक लाइन लगा लेंगे 3 इंच चौड़ाई पे, मैंने ये निशान लगाया है। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से देखो, हमने इसको गोलाई देनी है और नीचे हमने जो है यहाँ पे आधा इंच रखना है। तो ये मैंने निशान जो लगाया है आधा इंच पे लगाया है, और ऐसे ही देखो गोलाई देके हमने एक शेप दे लेनी है इसको। अब देखिए, जो हमने आधा इंच नीचे वाली साइड पर एक निशान लगाया है उसके साथ हमने इसको मिला देना है। ये देखिए, ऐसे हमने इसकी शेप बना लेनी है। तो पैटर्न हमने ये कट कर लेना है, मैंने बुकरम पे कट किया है। आप कोई गत्ता या पेपर जो मर्जी ले सकते हो, सिर्फ हमने एक फर्मा सा जो है तैयार करना है। तो ये फर्मा जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने ये कुर्ती का जो बैक वाला पल्ला है वो मैंने कट कर लिया है। अब ये देखिए, जो हमने पैटर्न अपना कट किया था, फर्मा कट किया था, उसको ऊपर रख के, और सारे पीसेज जितने मुझे चाहिए, 7 पीसेज चाहिए मुझे, तो 7 पीस जो है मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। पहले मैंने निशान लगा लिया और पूरे पीस जो है हमने एक बराबर से कट करने हैं। कोई भी पीस हमारा जो है बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया कि पहले बुकरम पे कट कर लिया, ताकि हम जो जितने भी पीस कट करें वो बराबर। सारे पीसेज मैंने कट कर लिए हैं, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, 7 पीस मुझे चाहिए, तो 7 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब हमने इनको कैसे स्टिच करना है। तो एक पीस लिया मैंने कपड़े का, जो कि वाइट कलर का मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर रख के सिंपल तरीके से हमने इस पर सिलाई चलानी है। तो नीचे हमने जो कपड़ा लगाया है वो थोड़ा मोटा है, क्योंकि ऊपर वाला जो ये कपड़ा है ना, काफ़ी पतला है कॉटन का, तो नीचे वाली साइड मैंने मोटा कपड़ा लगाया है इस पर। अब हमने ऐसे ही सिंपल तरीके से सिलाई लगा देनी है, ये देखिए। तो सारे पीस जो है मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी, और जो इसका जो ये वाइट कलर का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। जितना हमारा ये पैटर्न है उसके बराबर बराबर से हमने कट करते जाना है, और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये मैट बनेगा। इसको आप एज ए डोर मैट भी यूज़ कर सकते हो, और डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और सेंटर टेबल क्लॉथ की तरह भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, सारे पीसेज मैं ऐसे ही तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, सारे पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो सलवार वाला कपड़ा था उरे पट्टी हमने कट करनी है, तो उसी की ही मैंने ये देखिए उरे पट्टी जो है कट कर ली है। तो उल्टी साइड से रखेंगे, जो ये हम उरे पट्टी लगा रहे हैं ना, इसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला रखना है। अगर आप इसको पट्टी को खींचोगे तो तुम आपका जो ये पैटर्न है आपका ये इकट्ठा हो जाएगा, इसकी शेप जो है बिल्कुल ख़राब आएगी, बिल्कुल ठीक नहीं आएगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है उरे पट्टी लगाते वक्त आपने, कि पट्टी को आपने खींचना नहीं है। तो ऐसे ही सारे पीसेज जो है मैं पाइपिंग लगा के रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ आप हमने आगे क्या करना है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया, पट्टी को आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़ के आपने इसको तैयार करना है। तो ये देखिए, पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हमने इसको सीधी साइड को टर्न कर लेना है, और ये देखिए ऐसे ही फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। और फोल्ड जो करना है हमने, बिल्कुल बराबर से हमने ये जो है पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल बराबर करके, और जितने हमारे पीस हैं सभी को ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, जो पाइपिंग है ना, हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ हमने ये निकालनी है, और यहाँ से गुलाई भी अच्छे से बनानी है हमने। बहुत ही आराम से ये गुलाई बन जाती है, अगर आपने पाइपिंग को खींचा नहीं है, बिल्कुल लूज़ करके लगाया है, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे गुलाई बनाने में। तो ये देखिए, ये हमारी एक पत्ती जो है
ये देखिए रेडी हो गई है। तो सभी पत्तियाँ जो है मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने कैसे इनको स्टिच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी पट्टियाँ जो थी मैंने रेडी कर ली हैं। अब ये पाइपिंग जो एक्स्ट्रा थी नीचे वाली साइड को, उसको मैं कट करके पूरी फिनिशिंग करके अब देखिए हमने इनको कैसे रखना है। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और हमने इसका पूरा जो है एक फ्लावर बना लेना है, फ्लावर पूरा इसका रेडी कर लेना है। तो आप पूरा देख के बराबर बराबर करके इसको रखते जाइए, सेट करते जाइए इसको। ये देखिए पूरा बराबर करके हमने इसको रखना है ताकि हमारा ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वाला डोरमैट बनके तैयार हो जाए। यहाँ से उठा के हमने इसको नीचे वाली साइड को लेकर आना है। ऐसे सेट करके रख के फिर हमने इसको पूरा अच्छे से पिन अप कर लेना है, फिर हम इसको स्टिच करेंगे। पहले अपने पिन्स जो है इसके लगा लेनी है, पिन के साथ इसको सिक्योर कर लेना है, सेट कर लेना है अच्छे से। तो अभी मैं पिन्स लगा लेती हूँ इसको पूरा, फिर हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है ना, बिल्कुल भी हमारा ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर से हमने रखना है और पूरा राउंड में हमने जो है पिन्स लगा लेनी है, फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए पिन अप कर लिया है मैंने अच्छे से। अब ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई चलानी इसको शुरू करनी है। ये देखिए यहाँ से ये जुड़ेगा आपस में। ये देखो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी मैं, और जो हमने पाइपिंग लगाई है ना, पाइपिंग के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। पिन को निकालते जाएंगे धीरे धीरे और ऐसे ही देखो सारा मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और यहाँ से पक्का करके हमने सिलाई को निकालना है, दो बार मशीन को घुमा लेना है। अब यहाँ से स्टिच कर दूँगी, जैसे जैसे भी ये आ रहा है पूरा हमने स्टिच करके इसको कंप्लीट करना है और पाइपिंग के ऊपर ही हमने सिलाई चलानी है। तो ये देखिए ऐसी ही सारी सिलाइयाँ जो मैं कंप्लीट कर लूँगी और जो हमने ये पिन लगाई हैं पिन को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा बनेगा। और पुराना देखो जो मेरा सूट पड़ा हुआ था ना, वो भी मेरा काम आ गया और ये ख़राब हो गया था। ऐसे ही आपके पास कोई भी पुराने कपड़े पड़े हों तो आप डोर मैट वगैरह जो है और भी कई सारी चीज़ें हैं मैं अपने चैनल पे आपको दिखाती रहती हूँ वेस्ट मटेरियल से बनाने की, तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हमने सेंटर में जो ये थोड़ा सा हमारा ओपन है, यहाँ पर मैंने राउंड शेप में एक बुकरम का पीस कट कर लिया है और दो पीस मैंने जो है कपड़े के कट कर लेने हैं। सर्कल में दो सर्कल हमने कपड़े के कट करने हैं और ये जो बुकरम है ना चिपकाने वाली है तो मैंने इसको चिपका लिया है। और ये जो ग्लू स्टिक होती है उसके साथ मैंने इसको चिपका के चिपका लिया है कपड़े को। अब एक सर्कल मैं छोटा कट करूँगी और इसको जो ग्लू स्टिक है उसके साथ ही ये देखो चिपका दूँगी और ऊपर से इस पर प्रेस मार दूँगी। प्रेस से इसको अच्छे से चिपक जाएगा ये, क्योंकि हमने फिर बाद में सिलाई लगानी है ना। तो ये सर्कल हमारा देखो तैयार हो गया है। तो ऐसे ही ग्लू जो होती है ना ये, इसके साथ आप चिपका के फिर लगा सकते हो। इसके साथ क्या होता है कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना उस पर ये ग्लू स्टिक के साथ मैं डिज़ाइनिंग करना आपको बताती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे अगर आपने उस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जहाँ पर कि मैं सूट की कटिंग स्टिचिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है बताती हूँ। अब हमने जो ये सर्कल बनाया है इसको हमने स्टिच कर लेना है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए सर्कल भी हमने इस पर स्टिच कर लिया। अब बैक साइड से ये देखो यहाँ से जो बैक साइड है ना यहाँ से गंदा सा लग रहा है तो इसको भी हमने कवर करना है। तो ये देखिए मैंने ये वाला कपड़ा लेके इसको राउंड में जो क्या किया इस पर इंटरलॉक कर लिया, ओवरलॉक कर लिया चारों साइड पे गुलाई में। अब इसको मैं ये देखो ग्लू लगा के पहले चिपका लूँगी ताकि ये हिले नहीं और प्रेस लगा लूँगी इस पे ऊपर, प्रेस के साथ अच्छे से चिपका लूँगी। ये देखिए तो अब ये चिपक गया। अब ऊपर वाली साइड से मैं सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर, जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी ना उसी के ऊपर ही मैं सिलाई एक और सिलाई लगाऊँगी। और जो नीचे वाला मैंने सर्कल लगाया है
वो भी इसके साथ बहुत ही अच्छे से स्टिच हो जाएगा। तो ये देखिए छोटे छोटे ट्रिक होते हैं स्टिचिंग के, जो कि हमको हमें पता नहीं होते और हमें जो काम है काफ़ी कठिन लगता है। तो अगर आप छोटे छोटे तरीके ये अपनाओगे ना, ट्रिक अपनाओगे, तो आपकी स्टिचिंग जो है काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो ये देखिए नीचे वाला कपड़ा भी हमारा लग गया, ऊपर से ही हमने उसके ऊपर सिलाई लगा दी। तो ये देखिए हमारा जो फ्लावर डोर मैट है बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आइडिया मेरा कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक तो आपने ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।